नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 8 फरवरी। आज का सवाल हमारी 25 बड़ी खबरों में से होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों पर फैसला फिर बीच मझधार में। पटना हाईकोर्ट द्वारा 18 महीने में NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक नियोजन के लिए योग्य करार करने के फैसले के बावजूद अभी भी DLED अभ्यर्थियों की किस्मत का फैसला नहीं लिया जा रहा है। हाईकोर्ट से मिले फैसले के बावजूद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन ने NCTE के अध्यक्ष को पत्र भेजकर आगे की प्रक्रिया पर सवाल किया है। साथ ही NCTE से यह भी साफ करने को कहा है कि वो हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर कर रहे हैं या नहीं। BPSC ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशनल ऑफिसर पद के लिए निकाली रिक्तियां। BPSC ने सभी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशनल ऑफिसर पद के लिए 553 पद पर रिक्तियों की मांग की है, जिसके लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास LLB में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 फरवरी तक BPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। हैंडहेल्ड डिवाइस से अब हाथों हाथ ली जाएगी राशि। एक बार फिर से प्रदेश में वाहन जांच अभियान की शुरुआत होगी। इतना ही नहीं, इस बार शुरू होने वाले इस अभियान में राशि लेने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, जिसके तहत पटना समेत सभी जिलों के DTO, MBI और ESI को स्पेशल हैंडहेल्ड डिवाइस की ट्रेनिंग दी गई है, जिसके बाद अब 15 फरवरी से एक बार फिर से पटना समेत विभिन्न जिलों की सड़कों पर जगह जगह वाहनों की जांच की जाएगी, और इस बार राशि की रसीद के बजाय लोगों से उसी समय में डिवाइस की मदद से राशि ली जाएगी। BTSC बिहार में जूनियर इंजीनियर पद के लिए निकाली गई बंपर रिक्तियां। BTSC बिहार ने जूनियर इंजीनियर पद के लिए आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 फरवरी तक www.btsc.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं, और साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारियां भी आप वहां से ले सकते हैं। 15 साल से पुराने वाहनों के परिचालन पर लगी रोक। बिहार सरकार ने फैल रहे प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने बिहार में 15 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों के परिचालन पर ब्रेक लगा दिया है, जिसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने खुद दी है। इसके साथ ही पटना और इसके आसपास के नगर निकाय क्षेत्रों में 15 वर्षों से ज्यादा पुराने व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगा दिया गया है। अब आइए जानते हैं बिहार के जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे जॉर्ज ऑरवेल के बारे में। जॉर्ज ऑरवेल का नाम शायद ही आप में से किसी ने नहीं सुना हो, मगर आपको यह जानकार हैरानी होगी कि जॉर्ज ऑरवेल एक पत्रकार थे, जिनका जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में 25 जून 1903 को हुआ था। जॉर्ज एक पत्रकार के अलावा एक लेखक, निबंधकार और एक समीक्षक थे। ऑरवेल का पूरा नाम एरिक ऑर्थर ब्लेयर था, मगर जॉर्ज के पैदा होने के महज एक साल बाद ही जॉर्ज की माँ उन्हें लंदन लेकर चली गई थी, जहाँ उनका पालन पोषण किया गया था। हालांकि जॉर्ज कभी बिहार तो नहीं आए, मगर उनके जीवन के अहम पन्नों में बिहार का नाम दर्ज हो गया है। चुनाव से पहले अमित शाह और चिराग पासवान ने एक साथ किया रोड शो। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं मतदान से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी पूरी कोशिश की है। इसी क्रम में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी दिल्ली विधानसभा सीट पर NDA उम्मीदवार की जीत के लिए गृहमंत्री अमित शाह के साथ रोड शो किया, और साथ ही लोगों से इस बार NDA को मौका देने की अपील भी की है। जल्द ही बोधगया आएंगे श्रीलंका, वियतनाम और थाईलैंड के राष्ट्राध्यक्ष। आने वाले 7 दिनों में बोधगया की धरती पर विदेश के VIP सदस्यों का आना जाना देखने को मिलेगा, जिसके तहत अब तक श्रीलंका, वियतनाम और थाईलैंड के राष्ट्राध्यक्षों के आने की खबरें आ रही हैं। इतना ही नहीं, बोधगया के जिला प्रशासन की माने तो 10 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक इन देशों के प्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहेगा। 10 फरवरी को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के आगमन के साथ इन प्रतिनिधियों के दौर का सिलसिला शुरू होगा। CNG लगाने के लिए बिहार सरकार करेगी आपकी मदद। पटना समेत विभिन्न जिलों में प्रदूषण के स्तर को बढ़ता देख बिहार सरकार के डीजल गाड़ियों पर रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने सभी गाड़ियों को CNG में कन्वर्ट करवाने के लिए अहम कदम उठाने का ऐलान किया है, जिसके तहत बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कहा है कि पटना की सड़कों पर चल रहे डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को CNG में तब्दील करवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने CNG में तब्दील करवाने के लिए कुल मिलाकर 60,000 की अनुदान राशि देने का ऐलान किया है। किसान मानधन योजना के तहत पंजीकरण के मामले में बिहार को मिला दूसरा स्थान। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए शुरू किए गए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पंजीकरण करवाने वाले राज्यों की सूची जारी की गई है, जिसमें पंजीकरण के मामले में बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पहला स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है।
अब केंद्र सरकार के बाद कर्नाटक अपनाएगा बिहार मॉडल को, जहां एक ओर केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार सरकार की हर घर नल का जल योजना को पूरे देश में लागू करने का निर्देश सुनाया है, वहीं अब कर्नाटक की टीम भी जल्द ही बिहार के आरटीपीजीएस मॉडल को अपनाने का मन बना रही है, जिसके तहत आरटीपीजीएस प्रणाली के बारे में जानने के लिए कर्नाटक सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार दौरे पर भी पहुंचा था, जहां पर इन सभी अधिकारियों ने राज्य सरकार से इस योजना को जन उपयोगी करार दिया है। किउल तक जाएगी मालदा इंटरसिटी की सवारी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार के जमालपुर से खुलने वाली मालदा इंटरसिटी को रेलवे विभाग ने विस्तार की अनुमति दी है, जिससे कि अब यह ट्रेन जमालपुर होते हुए किउल तक जाएगी। इतना ही नहीं, अब इस नए मालदा इंटरसिटी के परिचालन से किउल और भागलपुर के बीच एक नई गाड़ी मिल जाएगी। इस बाबत नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सदस्य ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात भी की है। 22 मार्च को मनाया जाएगा राज्य का स्थापना दिवस। बिहार राज्य का स्थापना दिवस हर साल की भांति इस साल भी 22 मार्च को मनाया जाएगा। वहीं खबरों की माने तो इस साल 22 मार्च को आयोजित होने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली यात्रा का थीम दिया जाएगा। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के सभी विभाग कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार सरकार राज्य के स्थापना दिवस को 22 से लेकर 24 मार्च तक मनाने वाली है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पेश की सौगात। बिहार के सभी किसानों के लिए अहम सूचना। केंद्र सरकार सभी किसानों के लिए एक नई सौगात लेकर आई है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने बिहार की 10 साल पुरानी योजना पर विशेष फसल योजना की शुरुआत की है। दरअसल केंद्रीय बजट के दौरान हर जिले में एक विशेष फसल का चयन कर उसकी खेती की योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। हालांकि बिहार सरकार ने इस योजना को 2010 में ही शुरू कर दिया था, मगर किसी कारणवश बिहार सरकार की यह योजना सफल नहीं हो पाई थी, जिसके पश्चात केंद्र सरकार ने इस योजना को नए सिरे से शुरू करने का ऐलान किया है। बीएड के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू। बिहार राज्य से ही बीएड की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। शिक्षा विभाग ने बीएड कोर्स के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया को 11 फरवरी को संपन्न करवाने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने यह साफ कर दिया है कि 11 फरवरी को काउंसलिंग के बाद बची हुई सीटों के लिए 3 गुना सफल अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। काउंसलिंग के बाद चयनित सफल अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट bihar.cet.int.bed.com पर प्रकाशित की जाएगी। लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। इस चुनावी साल में बिहार की राजनीति में या तो पोस्टर के खेल की चर्चा हो रही है या नेताओं के बयान की। इसी क्रम में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए यह कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे तैसे सत्ता का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। आज बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की हालत देखने लायक है, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ भी करके अपनी कुर्सी को बचाकर रखना चाहते हैं। पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश की बड़ी संभावना। कहने को अब फरवरी का महीना आ गया है, मगर ठंड का असर कमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं ठंड से राहत की उम्मीद कर रहे लोगों के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसके तहत बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में 8 फरवरी को बादल छाए रहने की संभावनाएं जताई गई है। साथ ही कुछ जगहों पर बारिश होने के आसार भी बताए गए हैं, जिससे कि ठंड के असर में भी इजाफा होने की उम्मीद जताई गई है। रणजी ट्रॉफी में रहमत के शतक ने बिहार को दिलाई जीत। पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में चल रहे रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में चौथे दिन बिहार टीम के रहमत उल्लाह के शानदार नाबाद 113 रन और विकास रंजन की 55 रनों की पारी की बदौलत बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को 6 विकेट से हरा दिया है। आपको बता दें, जीत के लिए मिले लक्ष्य को बिहार ने 67 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 227 रन बनाकर यह जीत अपने नाम दर्ज की है। वहीं इस मैच में रहमत ने पहले 140 रन की शानदार पारी खेली थी, उसके बाद फिर 113 रन का लक्ष्य प्राप्त किया था। रविशंकर प्रसाद ने इंटरनेट के इस्तेमाल को मौलिक अधिकार मानने से किया इनकार। सभी इंटरनेट यूजर्स कृपया ध्यान दें, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंटरनेट के इस्तेमाल को मौलिक अधिकार मानने से मना कर दिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने राज्यसभा में आयोजित बैठक में यह कहा है कि इंटरनेट का इस्तेमाल संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि विचार प्रकट करने का अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। इसीलिए लोगों का इस भ्रम से बाहर आने की जरूरत है कि इंटरनेट के उपयोग को उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार घोषित किया है। आज दिल्ली में तय होगी बिहार की राजनीतिक पार्टियों की किस्मत। लंबे समय से दिल्ली विधानसभा चुनाव का इंतजार आज खत्म होने वाला है। चुनाव के साथ साथ आज बिहार की राजनीतिक पार्टियों की किस्मत का भी फैसला वोट के जरिए बंद हो जाएगा, क्योंकि इस बार दिल्ली की पार्टियों के साथ साथ बिहार की स्थानीय पार्टियां भी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वहीं आज होने वाले चुनाव का परिणाम 11 फरवरी को घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद दिल्ली की जनता का जवाब और साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों की लहर का अंदाजा लगा लिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने जिलाध्यक्षों के ऐलान के लिए बुलाई मीटिंग। राजद नेता तेजस्वी यादव ने जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा के लिए राजद पार्टी की मीटिंग बुलवाई है, जहां पर वो बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा पर विचार विमर्श करेंगे। राजद के अंदर खाने से आई खबर के अनुसार तेजस्वी यादव ने सभी नेताओं की इस मीटिंग को आज बुलवाया है। ज्ञात हो, जिलाध्यक्षों के नाम के ऐलान की घोषणा 5 फरवरी को ही की गई थी, मगर तेजस्वी यादव के प्रदेश में मौजूद नहीं होने के कारण उस दिन आयोजित किए गए कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा दूसरा वनडे मैच। पहले वनडे मैच में भारतीय टीम को मिली हार के बाद
अब भारतीय बल्लेबाज आज जीत के इरादे से ऑकलैंड के ईडन पार्क में उतरेंगे, जहां पहले मैच में भारतीय बल्लेबाजों को शानदार पारी खेलने के बावजूद 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं आज का मैच इस पूरी सीरीज के लिए निर्णायक माना जाएगा, जहां भारतीय टीम को मैच में अपनी जगह बनाने के लिए आज का मैच जीतने की कोशिश करनी होगी। वहीं न्यूजीलैंड टीम आज सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। फिलहाल ठंड से लोगों को धीरे धीरे राहत मिल रही है, ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना भी रहा है नहीं। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 7 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,120 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,900 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 50,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 77.33 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 70.3 रुपए प्रति लीटर था। अपने पति से मिलने न्यूजीलैंड पहुंची अनुष्का। इन दिनों विराट कोहली अपनी पूरी टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर है और वो यहां तक लंबे समय के लिए हैं। इतना ही नहीं, अभी विराट वनडे क्रिकेट में व्यस्त चल रहे हैं। इसी बीच विराट के बिजी शेड्यूल को देखते हुए अनुष्का शर्मा खुद ही न्यूजीलैंड पहुंच गई है, जिसका अंदाजा उनके इंस्टाग्राम स्टोरी से लगाया गया है, जहां पर न्यूजीलैंड पहुंचते ही अनुष्का ने दो पोस्ट शेयर किए, जिसमें एक में उन्होंने कॉफी की तस्वीर पर हेलो कीवी नीचे कैप्शन में लिखा है, वहीं दूसरे पोस्ट में उन्होंने एक पेंटिंग की तस्वीर को शेयर किया है। बिहार यूनिवर्सिटी में बिहार इतिहास परिषद के 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत आज से। बिहार विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में इतिहास विभाग और बिहार इतिहास परिषद की ओर से 8 यानी कि आज से 9वां अधिवेशन शुरू होगा, जो कि 2 दिनों तक जारी रहेगा। इसके साथ ही आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के इतिहासकार भाग लेंगे। इन इतिहासकारों के साथ साथ करीब 700 शोधार्थी और शोध भी प्रस्तुत करेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें है विकास, विजय कुमार, कुंदन कुमार, ब्रिजेश तिवारी, प्रमोद यादव, बबलू यादव, नागेंद्र कुमार, काजल ठाकुर, उपेंद्र कुमार, मोहम्मद अल्ताफ, हेमंत सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को कौन सी रणनीति के साथ उतरना चाहिए। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।